व्हाट्सएप तो हम सभी चलाते होंगे, लेकिन क्या जो थिंकिंग करते हैं व्हाट्सएप के बारे में वो कभी कर पाते हैं? नहीं दोस्तों, आखिर कैसे करेंगे? व्हाट्सएप में प्रोफेशनल बनना हो तो कैसे बनेंगे? व्हाट्सएप के बारे में हर एक चीजों के बारे में नॉलेज जानना चाहते हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे? आइए दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारे व्हाट्सएप के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जो आप थिंकिंग करते हैं कि कैसे करें, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं करेगा। इस वीडियो में हम छोटे से वीडियो में बहुत सारे दोस्तों बहुत ही ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप से रिलेटेड, जो आपको बहुत ज्यादा खास बना सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं करेगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टिप्स जो बहुत ही खास होने वाली है, आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप चाहते इस मैसेज को सीन करना और अगले को पता भी ना चले, यानी कि एक तरफ से सिक्योरिटी के साथ दोस्तों आप मैसेज को सीन करना चाहते हो, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से रिसेंट से व्हाट्सएप को हटा देना है और वो अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर देना, यानी कि एरोप्लेन मोड में। उसके बाद सिंपली दोस्तों क्या करना है, व्हाट्सएप को ऑन करना है और जो भी मैसेजेस आपके पास आए हैं उसे देख लेना है। इस देखने के बाद आप दोबारा दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से व्हाट्सएप को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद यहाँ से व्हाट्सएप को हटा कर दोबारा फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल देंगे, यानी कि ऑन कर लेंगे। इससे दोस्तों आप मैसेज को आसानी से सीन कर लेंगे और अगले को पता भी नहीं चलेगा कि आप मैसेज को देखे हैं, यानी कि एक तरफ से दोस्तों आसानी से आप किसी के भी मैसेज को देख सकते हैं, उसे भनक भी नहीं चलेगा कि आप उसके मैसेज को देखे हैं, उसके फ़ोन में हमेशा यही दिखाएगा कि आप मैसेज को सीन नहीं किए हैं। अब आते हैं दूसरा टिप्स के बारे में, जो बहुत ही खास होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, आप कहीं काम में बिजी हैं या किसी बिजनेसमैन आप ही हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन आता है, यानी कि आपके पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप चाहते हैं उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाए, हम बिना किसी फ़ोन को टच किए उसके बाद मैसेज चला जाए कि हाँ हम बिजी हैं या कोई कार्य कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना था, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ऐप का डाउनलोड करना पड़ता है, जो आपके लिए प्राइवेसी भी होता है और सिक्योर भी उतना क्लियर नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ से अपने प्ले स्टोर को हम ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिख लेना है ऑटो रिप्लाई व्हाट्सएप और पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं हमारे पे व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई ऐप आ चुका है, इसे सिंपली दोस्तों इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको दो तीन अलाउ करने के लिए ऑप्शन है, अलाउ कर लेंगे और यहाँ से ऑटो रिप्लाई ऑन करके जो भी आपको लिखना है वो लिख लेंगे। आप जैसे जो भी लिखना चाहते हैं, कस्टम यूज करना चाहते हैं करके आप यहाँ से ओके कर देंगे। जब भी आपके पास दोस्तों कोई भी मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्लाई हो जाएगा। ये दोस्तों के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ऑटो रिप्लाई का, किसी भी कोई भी मैसेज का रिप्लाई करना हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाएगा। ये दोस्तों हो गया हमारा दूसरा टिप्स। अब आते हैं दोस्तों तीसरे टिप्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बहुत ही खास होने वाला है। व्हाट्सएप तो आप हमेशा चलाते हैं दोस्तों, अगर आप किसी मैसेज को सेलेक्ट करते हैं, स्टार का एक बटन आता होगा ऊपर साइड में, देख सकते हैं। अगर इस स्टार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस स्टार का मतलब बहुत ही खास होता है। अगर आप वो किसी भी मैटर को स्टार कर देते हैं तो आपका मैटर जो होता है स्टार्टेड में ही सेफ हो जाता है, यानी कि जब भी आप स्टार मैसेज पे क्लिक करेंगे, आप थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद स्टार मैसेज पे, तो आपका वो मैसेज दिखाएगा, यानी कि एक तरफ से सेव करके मैसेज को किसी को रखना चाहते हैं परमानेंटली कि हाँ ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसेज को सेव करके रखना चाहिए, उस मैसेज को स्टार कर देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेव रहेगा दोस्तों। ये दोस्तों हो गया हमारा तीसरा टिप्स। चौथा टिप्स दोस्तों, आप हमेशा डेली किसी से बात करते हैं, यानी कि बहुत ही खास आपके लिए कोई बंदा है जिससे आप डेली बातें करते रहते हैं, जो डेली आपके लिए उपयोग है, उसे चाहते हैं आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके कंटेंट में हैं, लेकिन आप चाहते हैं उसको ऊपर हमेशा रखना, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना चाहिए, सिंपली क्या करना, सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर देख सकते हैं पिन का ऑप्शन दिया है, इस पिन पर दोस्तों सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो हमारा जो चैटिंग है वो हमेशा के लिए ऊपर हो जाएगा, यानी कितने भी बंदे से आप बात करते रहेंगे, चाहे किसी से भी बंदे से आप बात करें, इससे करें चाहे इससे करें, आपका जो बंदा रहेगा हमेशा ऊपर रहेगा और यहाँ हमेशा आसानी से ऊपर आप खोज सकेंगे या बात कर सकेंगे। ये दोस्तों हो गया हमारा चौथा टिप्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब आता है दोस्तों हमारा पांचवा टिप्स ग्रुप्स के लेकर। आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिससे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जो बहुत सारे आपको डिस्टर्ब कर देता है दोस्तों, हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा, इसको कैसे क्लोज करेंगे, सिंपली सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर देख सकते हैं म्यूट का ऑप्शन दिया है, म्यूट पर जाकर दोस्तों आप जैसे 8 आवर के लिए या 1 वीक के लिए या ऑलवेज के लिए जैसे करना ओके कर देंगे, यहाँ पे हमारा म्यूट हो जाएगा हमेशा के लिए। ये दोस्तों हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स।
अब आते हैं दोस्तों हम अपने छठवें टिप्स के बारे में। जैसे दोस्तों हमारे ग्रुप्स में कौन कौन ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, अननोन पर्सन भी ऐड कर देते हैं, या कोई आपके पास रिसीव नंबर है या कोई आपका फ्रेंड भी ऐड कर देता है। आखिर आप चाहते हैं कि हमें कोई भी ग्रुप में नहीं ऐड कर पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपली दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर दोस्तों जाने के बाद अकाउंट्स पर, उसके बाद प्राइवेसी पर, और लास्ट में चले आना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप्स का ऑप्शन दिया है, ग्रुप्स पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट और माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, यानी कि दोस्तों सभी लोग आपको ऐड में कर सकते हैं, या कोई आपके कंटेंट्स का बंदा ऐड कर सकते हैं, या किसी एक को आप चाहते हैं कि वो बस मुझे ऐड कर सके। इसके लिए दोस्तों अगर किसी ऐड को करना चाहते हैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से राइट क्लिक पे क्लिक करके इसे ओके कर दे, यानी कि आपको कोई एक ही ग्रुप में सेव कर सकेगा। ये दोस्तों हो गया हमारा छठवां बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। अब आते हैं दोस्तों अपने सातवें तरफ के बारे में, यानी कि आपके पास बहुत सारी आप दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि आप कहीं दूर गए घूमने के लिए, आपका कोई फ्रेंड छूट गया है, अगर आप चाहते हैं उसे दोस्तों अपने साथ में लेकर आना, या चाहता है वो पीछे हो गया उसको चाहते हैं अपने पास बुलाना, इसके लिए दोस्तों क्या करना, व्हाट्सएप के थ्रू अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं आसानी से। सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद जो भी उसका नंबर हो वहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करके और इसको शेयर कर देना है, उसके पास ये मैसेज को शेयर कर देंगे, वो इसके आसानी से बिल्कुल आपके साथ आ जाएगा और आपको पकड़ लेगा। ये दोस्तों हो गया अपना परमानेंटली लोकेशन शेयर करने का, इसमें टाइमिंग के हिसाब से आप शेयर कर सकते हैं। ये दोस्तों हो गया हमारा सातवां टिप्स। अब आते हैं अपने आठवें टिप्स के बारे में। बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करने के लिए कि कोई दूसरा इसे ओपन ना कर पाए, इसके लिए अलग अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। यहाँ से सिंपली अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से, किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद अकाउंट्स, और सेम प्रोसीजर दोस्तों प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिया है, यानी कि अगर अपने फ़ोन को फिंगरप्रिंट लॉक से अलाउ करना चाहते हैं पासवर्ड से, यहाँ पर क्लिक करके अपने ऐप को कर सकते हैं व्हाट्सएप को, जो बिना आपके फिंगरप्रिंट या पैटर्न के अलावा खुलेगा नहीं और हमेशा सेव रहेगा दोस्तों। ये हो गया बहुत ही खास आठवां टिप्स। अगर अभी तक आप टिप्स को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने नौवें टिप्स के बारे में, जो दोस्तों होता है हमारा ऑटो डाउनलोड। कोई भी हमको व्हाट्सएप पे वीडियोस, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहा है तो हमें ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगता है दोस्तों। तो हमारा क्या होता है, बहुत सारे MB खत्म हो जाते हैं, कुछ ही मिनट्स में हमारा MB सारा खत्म हो जाता है दोस्तों। ऐसे कैसे इसे रोक सकते हैं कि हमारा वीडियो डाउनलोड ना हो, इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं थ्री डॉट्स है जो हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन दिया है, इस स्टोरेज एंड डाटा पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा और व्हेन कनेक्शन ऑन वाईफाई, दोनों का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास मोबाइल का डाटा कनेक्शन है, उसके साथ क्या क्या चीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हैं ऑटो में, उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फोटो डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या कुछ भी नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं को सिलेक्ट करके, यानी कि अनसेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हमारा कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं होगा, कोई भी आपके पास शेयर करता है। अगर आप वाईफाई से सारा चीज़ शेयर करना चाहते हैं, यानी कि वाईफाई अगर कनेक्ट होता है तो हर एक चीज़ डाउनलोड हो जाए, इसके लिए सारे को सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे, अनसेलेक्ट करके ओके आपकी जैसी मर्जी कर सकते हैं। यहां से कोई भी चीज आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगा। ये हो गया बहुत ही खास हमारा नौवां टिप्स। स्टोरेज को लेकर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास कौन से लोग मैसेज करते हैं जिसका स्टोरेज आपके फोन में बहुत ज्यादा भर जाता है दोस्तों। कैसे पता करेंगे, सिंपली क्या करना है, यहां पे मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन दिया है, उस पर सिंपली क्लिक कर देना और यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास सबसे ज्यादा कौन मैसेज कर रहा है कि आपका स्टोरेज फुल हो रहा है। यहां से आप आसानी से चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से मैनेज स्टोर से कौन आपके पास सबसे ज्यादा शेयर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब आता है दोस्तों हमारा दसवां टिप्स, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ही खास होने वाली है। ये होता है दोस्तों हमारे वॉलपेपर्स को लेकर। जैसे आप देख सकते हैं हमारा खाली वॉलपेपर है, अगर यहाँ पे चाहते हैं कुछ अलग कलर करना, हर एक में अलग अलग कलर करना या सब में एक ही कलर करना, ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों सिंपली क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है अपने। थ्री डॉट्स जो सिंपली आप जानते हो कहाँ पर है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और सेटिंग पे जाना है, या सेटिंग पे डायरेक्टली जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैट्स का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे वॉलपेपर, और वॉलपेपर पे दोस्तों सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे चेंज पर। यहाँ से बहुत सारे आपको वॉलपेपर मिल जाएगा, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे और अपने व्हाट्सएप के लिए लगा देंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया हमारा वॉलपेपर को खास बनाने के लिए, अपने बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। अब यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं हमारे ये हर एक का अलग अलग नहीं हुआ होगा, सिंपली सबका एक ही हुआ। अब यहाँ पे मैंने अलग कर दिया, यहाँ पे अलग है, अब नीचे वाले को देखेंगे तो सेम ही है, लेकिन दोस्तों चाहते हैं कि सबका अलग अलग करना, देख सकते हैं इसका भी सेम ही है, सबका अलग अलग करना हो तो कैसे
करेंगे। इसके लिए सिंपली दोस्तों क्या करना है, जिसका अलग करना है उसके व्हाट्सएप को हमको ओपन करना। अब चाहते हैं इसके अलग करना, इस यहाँ पर 3 डॉट्स इस पर क्लिक कर देंगे 3 डॉट्स पे, और यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे जो भी आपको वॉलपेपर सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम दोस्तों सेट एट वॉलपेपर पे क्लिक करके इसे दोस्तों सेव कर लेंगे। ये दोस्तों हो गया हमारा हर एक लोगों का अलग अलग वॉलपेपर सेट करने का बिल्कुल आसानी से। ये दोस्तों हो गया हमारा 10वां टिप्स जो बहुत ही आपके लिए खास हो गई होगी। दोस्तों आपने व्हाट्सएप के कितने ज्यादा खास टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जान लिया जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप समझ गए होंगे कैसे व्हाट्सएप में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं टिप्स एंड ट्रिक तो वीडियो को जरूर शेयर करेगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और डेली ऐसे टिप्स जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।